दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लंदन से भारत लौट रहे थे। बीच में वे स्विट्जरलैंड में रुके, वहाँ एक सभा हुई। सभा में किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर क्या है? दार्शनिक, विचारक, महान स्वतंत्रता सेनानी, अहिंसा के पुजारी, सत्याग्रही महात्मा गांधी ने कहा कि ईश्वर ही सत्य है। फिर उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उनकी बात पर प्रश्न खड़े हुए, तब उन्होंने इसके जवाब में थोड़ा विस्तार से बताया। उन्होंने जो कहा वो मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। मेरे अपने लिए तो ईश्वर सत्य है। सत्य शब्द ही उसका सर्वोत्तम वाचक है, परंतु 2 वर्ष पूर्व मैं एक कदम और आगे बढ़ा। मैंने कहा कि न केवल ईश्वर सत्य रूप है, बल्कि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। सभा में फिर से प्रश्न खड़ा हुआ, तो सत्य क्या है? इसका भी उत्तर राष्ट्रपिता ने बहुत ही स्पष्टता से दिया। हमारा अंतर्मन, हमारी अंतरात्मा जो कहती है वह सत्य है। आगे उन्होंने दूसरे विषय पर भी बात करी, पर यह प्रश्न फिर से खड़ा होता है कि हमारी अंतरात्मा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह का जवाब देती है, अलग अलग तरह से प्रश्नों को खड़ा करती, सत्य को खड़ा करती। तो क्या सत्य के अनेक रूप हैं? इसके उत्तर में महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य उसका सही है जो यम नियम का पालन करता है, जो सही मार्ग पर चलता है, जिसके अंदर विनम्रता भरपूर है। वो जो कह रहा है वह ज़्यादा सत्य है। बहुत गहराई से उन्होंने इस विषय को रखा और बाद में उन्होंने कहा कि यह व्याख्या उन्हें बहुत संतोष देती रही है कि सत्य ही ईश्वर है।